मध्य प्रदेश में छपाक फिल्म पर राजनीति जबरदस्त तरीके से तेज हो गई। दरअसल इस फिल्म की मेन हीरोइन है दीपिका पादुकोण और यह फिल्म एसिड अटैक से पीड़ित लड़कियों के संघर्ष पर बनी है। बढ़िया फिल्म को माहौल है तो ए बीच में JNU विवाद में कूद गई थी दीपिका पादुकोण। वे JNU पहुंची सो पूरे देश भर के भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े लोग दीपिका पादुकोण के खिलाफ नजर आने लगे और यही वजह से ई पूरी फिल्म पे होगा विवाद। यही विवाद के बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में छपाक फिल्म को टैक्स फ्री कर दो। मुख्यमंत्री को कहबो है कि जब फिल्म महिलाओं के संघर्ष की दास्तान है यही से हर कोई खोजा फिल्म देखे चाहिए जी। पर अगर वो अप्लाई करेंगे इस पर हम गंभीरता से विचार करेंगे। आपको क्या लगता है सही था उनका जाना सही था सर जाना सही था दीपिका पादुकोण सही था? मैं तो कहता जो जाए सही है। किसी को क्या अपने देश में किसी चीज की रोक होनी चाहिए? कोई कहाँ जाए तो उसकी आलोचना करते रहे। एक तरफ कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री छपाक फिल्म के समर्थन में खड़े हो गए तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी नाराजगी नजर आ रही। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने विवादित बयान दे डाले। हरदा में गोपाल भार्गव बोले कि दीपिका जैसी जो भी हीरोइन हैं उन्हें मुंबई में डांस करें चाहिए ना कि JNU या फिर कौन कॉलेजों में नेतागिरी। हीरोइन को तो अपना डांस करना चाहिए बॉम्बे में बैठ के वहां पे। JNU में क्यों जाना चाहिए उसको मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो इस प्रकार के दर्जनों लोग हो गए हैं जो एक्टिविस्ट कहलाते हैं आर्टिस्ट कहलाते हैं जो भी हैं वो ऐसी जगह जाके जहाँ सिर्फ पढ़ना एक ही ध्येय होना चाहिए लोगों का। राजनीति करना है तो राजनीति में आओ चुनाव लड़ो। फिल्म को मुद्दा अलग है नेतागिरी को मुद्दा अलग है JNU को मुद्दा अलग है लेकिन जो राजनीति है सबको अगर मिला जुला के हिला डुला के घाल मेल ना कर देवे तो नेतागिरी काहे की।